बहुत दिनों के बाद गरीब आबाद और नाजिम साहब चाय डाल रहे हैं। कैसे हो नाजिम भाई, खैरियत से हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। अली मनोहर आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं सर आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं बल्दिया शॉपिंग सेंटर, उसी की एक दुकान है, वहाँ मौजूद हूँ। पिछले हफ्ते रेडियो पर मैंने मिंट मार्गरीटा बनाने का तरीका बताया था। खैर बिपोखास में तो उस लेवल के बड़े होटल, फास्ट फूड रेस्टोरेंट इस टाइप के उस तरह के नहीं है, यहाँ पर बहुत महंगे मिंट मार्गरीटा बिकते हो। लेकिन सच्ची बात है, मैंने खुद कभी नहीं पिया था। मिंट मार्गरीटा होता क्या है? जब उसके मैंने अज्जा पढ़े तो पता चला कि लेमन है, सोडा है, उसमें पुदीना है। हम तो पुदीने को सिर्फ चटनी से या रायते में डालते हैं, तो शरबत में भी पुदीना डलता है। मैंने इससे पहले कभी नहीं पिया। गर्मी बहुत शदीद है, मेरे कपड़े देख रहे हैं आप, पसीने से भीग गए। तो जिंदगी में पहली बार आज मिंट मार्गरीटा पिया है। सर मिंट मार्गरीटा जिंदगी में पहली बार पिया, लेकिन है अच्छा। उसमें वो पुदीने की, फ्रेश पुदीने की जो महक है, लेमन है, सोडे से थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन वो क्या पसीना गर्मी। तो मैं बल्दिया में इसलिए मैं एक सरसरी सा विजिट करवाऊंगा। मैं पूरा बल्दिया तो आपको नहीं दिखा सकता, एक सरसरी सा विजिट मैं करवा दूंगा बल्दिया का आपको। एक दोस्त है हमारे अवेश साहब, वो काफ़ी इसरार करते रहते हैं कि आप बल्दिया आते हैं तो हमारी वीडियो नहीं बनाते। मेरे पास एक फ़ोन था, फ़ोन देना बेटा, फ़ोन देना। मेरा फ़ोन था मेरे पास, जो कि जनवरी 2022 में चोरी हो गया था मेरे घर से। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पहले। ये फ़ोन था हवावे Y7 Prime। तो ये 3 महीने के बाद रिकवर हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस फ़ोन पर मैंने पहली वीडियो बनाई थी, जो 2022 में मैंने आगाज़ किया था यूट्यूब ब्लॉगिंग का, पहली वीडियो थी हमारी। उसके बाद ये फ़ोन चोरी होगा, बहुत दुख हुआ। पैसे भी नहीं थे इतने और बिना फ़ोन के गुजारा करना बहुत मुश्किल था। मैं 2022 में यूट्यूब चैनल मोनिटाइज करवाने के फिराक में था। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, कुछ पैसे घर में जौजा बेगम के पास थे उन्होंने दिए, तो मैंने ये वाला फ़ोन लिया जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा हुआ इस लिहाज से कि वो मुझे फ़ोन मिल गया। पुलिस पे मैंने कंप्लेन करवाई, नॉर्मली होता नहीं है, फ़ोन मिलते नहीं हैं यार, तो मुझे वो फ़ोन मिल गया। EMI नंबर, 3 महीने लगे, 3 महीने में पता करता रहा मैं, घर नहीं बैठा। कानूनी तरीके से SP ऑफिस के चक्कर 4-5 मेरे लगे, वहाँ भी दोस्त अहबाब बन गए कुछ, बार बार जाने से सलाम दुआ हो गई। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि अभी आपका फ़ोन ट्रेस हो गया है। फाइनली वो SP साहब थे, उन्होंने मुझे वो फ़ोन दिया उनके SP ऑफिस में बुलाकर, तो अच्छा रहा है। और फिर हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया और मैं यहाँ आया हूँ बल्दिया में। तो यहाँ से मैं जाऊँगा गरीबाबाद, हो सकता जाऊँ मैं वहाँ, एक हमारे मेहरबान ने हमें रिक्वेस्ट की हुई है, कुछ ख़रीदारी करनी है, तो चलें। मिंट मार्गरीटा बल्दिया में ही है ये, क्या नाम है दुकान का? सर अपना नाम क्या है शॉप का? सर कौन सा लिमका? पिस्ता लिमका, लिस्टर, मिस्टर, अरे मिस्टर लिमका है ये। मिरपोखास के लिए एक नई चीज है, सच में मैंने कुछ जिंदगी में पहली बार किया बल्दिया में आने का मकसद। एक तो कुछ वीडियो बनाना है और दूसरा ये जो फ़ोन मैंने आपको दिखाया, जिससे मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपने YouTube चैनल के लिए, चूँकि ये बेटे को दे दिया है, तो वो कह रहे थे पापा अब ये बहुत पुराना हो गया, इसे बेच दिया जाए। तो कोशिश करूँगा किसी दुकान से इसकी मुनासिब कीमत लग जाए। लेकिन सच पूछें तो मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं इसे बेच दूँ। आज तक मैंने मोबाइल फ़ोन्स की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं की, शौकिया ख़रीदो फ़रोख्त ज़रूरतन ज़रूर की है। चूँकि ये वॉइस ओवर मैं सारी रिकॉर्डिंग के बाद कर रहा हूँ, तो वही हुआ, चूँकि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि इसे बेच दिया जाए, तो इसके जितने पैसे लगे मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अपनी एक बहुत खूबसूरत याद को इतने पैसों में मैं बेच दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से, ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? और मैं फाइनली, जब भी मैंने सोचा था कि मैं बल्दिया के अंदर वीडियो बनाऊंगा, एक बार तो हमने पहले वीडियो बनाई थी काफी अरसा पहले,
अवेश भाई हैं, इन्होंने खसूसी तौर पर मुझे कहा था कि सर बल्दिया की वीडियो बनाए। एक हमारे यूट्यूब व्यूवर भी हैं, उन्होंने भी कहा हुआ है कि बल्दिया की वीडियो बनाए। जहाँ पर बल्दिया कायम है यहाँ से बहुत पुरानी लोगों की बहुत खूबसूरत यादें वापस आए। एक इंडियन शायर हैं, गीत निगार मजरू सुल्तानपुरी। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि मजरू सुल्तानपुरी जब मीरपुर खास आए थे तो जगह यही थी, मुकाम बल्दिया शॉपिंग सेंटर नहीं था, बल्दियाती इदारों के ऑफिस यहाँ मौजूद थे और यहीं पर एक मुशायरा हुआ था जिसमें मीरपुर खास के उस वक्त के जो नामचीन शोरा थे वो शरीक हुए थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब उसमें शरीक हुए थे, स्पेशल उनकी याद में वो उनकी इस्तकबाल में वो नशिस्त थे। और मीरपुर खास में जो सुल्तानपुरी रहते हैं, अब आप मिलाइएगा मजरू सुल्तानपुरी मीरपुर खास क्यों आए थे, जो सुल्तानपुरी फैमिलीज रहती हैं महाजर कॉलोनी में या हीराबाद में, खास तौर पर महाजर कॉलोनी के आफाक साहब मेरा ख्याल नायब चेयरमैन है या चेयरमैन है सुल्तानपुरी हैं वो, तो सर वो उनके रिलेटिव हैं। ये जितनी सुल्तानपुरी फैमिलीज रहती हैं ये उसी खानदान से हैं जिससे मजरू सुल्तानपुरी आते हैं, तो इसी वजह से वो 1960 और 70 की दहाई में मीरपुर खास तशरीफ लाए। तो ये इंफॉर्मेशन मेरी एक और वीडियो में भी मौजूद है, लेकिन आज चूंकि यहाँ आया हूँ तो यादें एक बार फिर से ताज़ा। तो अवे साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं एक फिल्म है उसमें वो होता है कि वो कहते हैं जो भी कहना है माइक में कहें, तो जो भी कहना है माइक में कहें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर आज आप हमारी दुकान पे तशरीफ लाएं तो बहुत खुशी हुई है, आप यहाँ पर आए ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आपसे मेरी कई बार रिक्वेस्ट भी थी सर बल्दिया मार्केट की जो है ब्लॉगिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर और आपके जो है व्यूवर्स जो है बहुत हैं, ताकि हमारे शहर, आप वैसे भी माशाल्लाह मीरपुर खास के लिए इतनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, मीरपुर खास की तारीखी चीज़ों को शाया कर रहे हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन की मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई। और अब तो आपको भी पता है कि 3 साल के बाद कोविड के बाद नुमाइश का भी जो है अभी सिलसिला जारी है, जून के अंदर नुमाइश लगेगी, उसको भी माशाल्लाह भरपूर कवर करेंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश भी है कि आप जो है उसको पूरे तरीके से उसको कवर करिएगा। और आज आप यहाँ बल्दिया में आए कवर करने के हवाले से मुझे बहुत खुशी हुई। हमारी एसेसरीज की दुकान है सर, मैं तारुफ करवा दूँ ना, तो ये अवेश साहब की जो दुकान है मोबाइल एसेसरीज की, आपको माइक मिल जाएंगे, पावर बैंक मैंने इनसे परचेज किया, ये माइक मैंने इनसे परचेज किया है, ठीक है ना, इस फोन के ऊपर जो कवर लगा वो मैंने इनसे परचेज किया, तो एक ताल्लुक अच्छा बन गया है। सेटेलाइट टाउन में रहते हैं और मोबाइल से मुतालिक चीज़ें वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो एक बार अगर आप मीरपुर खास में रहते हैं बल्दिया शॉपिंग सेंटर में मोबाइल से रिलेटेड आपको कोई काम पड़ता है तो अवेश आपको खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा, AS मोबाइल। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, हो सकता है अवेश साहब मान जाए कि अगर कोई हमारी वीडियो देखकर और ये कहे कि सर मैं वीडियो देखकर स्पेशली आया हूँ तो कुछ रियायत कर लेंगे, ऐसा है? 50% डिस्काउंट आपके व्यूअर्स को जो है जो वीडियो देखकर आएगा और ये कहेगा कि मैं यकीनन मार्केट से 50% उसको डिस्काउंट। सुन लिया आपने, मार्केट से 50% डिस्काउंट देंगे अवेश इकबाल साहब अगर आप वीडियो देख कर आते हैं। अवेश साहब तो देखें कितने कस्टमर आते हैं 2-4 दिन। अवेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साद भाई अभी अभी दुकान पर पहुंचे हैं और जो ऑफर दी थी अवेश साहब ने, उन्होंने कहा था वीडियो देख कर आएँ तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ कह रहे हैं मैंने चूंकि लाइव वीडियो देख ली है तो इसलिए अब मुझे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। अवेश साहब दे रहे हैं आप? ठीक है बहुत शुक्रिया। चले बल्दिया शॉपिंग सेंटर, यहाँ से बल्दिया का आगाज हो रहा है, सामने फरोश की इसका मुकम्मल अहाता तो नहीं कर पाऊंगा, ना ही आज कुछ मेरे पास इतना वक्त है, लेकिन आपको बता दूं कि जिस पोर्शन या जिस ब्लॉक में मैं मौजूद हूं यहां मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ की दुकानें हैं, न्यू मोबाइल फ़ोन या पुराने मोबाइल की ख़रीदो फ़रोख्त भी यहां होती है, डाउनलोडिंग ख़ास तौर पर हमारे देहात से भाई आते हैं, वो गाने फिल्में रिकॉर्ड करनी, इसी तरह दूसरे ब्लॉक में कुछ गारमेंट्स से रिलेटेड दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, और भी कुछ कारोबार होते हैं। लेकिन अगर बुनियादी तौर पर कोई आपसे पूछे कि बल्दिया शॉपिंग सेंटर में ज़्यादा कारोबार किस चीज़ का होता है तो मोबाइल फ़ोन और गारमेंट्स, इसके अलावा चीदा कुछ और दुकानें, शो पीसिस की दुकानें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन
और मेन सड़क पर अगर आप आएंगे तो वहां आपको शूज की दुकानें, जूतों की दुकानें या फिर बिरयानी की दुकानें मिल जाएंगी। मैं मौजूद हूं बहुत दिनों के बाद गरीबाबाद। मुझे याद है जब हमने नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो अव्वलीन जो लोग हमें मिले थे यूट्यूब पर, जिनके कमेंट्स मौसूल हुए थे, वो गरीबाबाद के लोग, रशीद साहब, आरिफ साहब, अजीम अंसारी साहब, हेड ब्लाड में रहते हैं आगे, ये वो बिल्डिंग, वो आगे वाली है डॉक्टर रियाज वाली बिल्डिंग, और ये पीपल का दरख्त भी हमने देखा था। तो ये जो डॉक्टर रियाज वाली बिल्डिंग है, ये वाली, यहाँ वो रहते थे फरीद भाई और खलील भाई। तो बहुत शुक्रिया सर, आप भी हैं तो ये ले, आप भी आ गए। तो यहीं पर वो हुआ था कि मैं उस गली में, सामने वाली इसमें गया था, मंदिर वाली गली में, जहाँ पर कुआं भी होता था, पाली हलवाई होता था। तो वहीं गली में मुझे वो मिले थे साहब एक, जिन्होंने मुझे नाम से आवाज़ देकर बुलाई थी, आवाज़ देकर बुलाया था, और मैं खुशगवार किस्म की हैरत हुई थी मुझे, यार मैं तो इस इलाके में कभी आया नहीं, ये कौन है बंदा जो मेरे नाम से मुझे जानता है। तो पता ये चला था कि वो हमारे यूट्यूब व्यूअर हैं। बेनता खुशी हुई थी यार कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए पहचाना जा रहा हूँ। मीर साहब की होटल पर बहुत दिनों के बाद नाजिम साहब सामने मौजूद हैं और नाजिम साहब चाय डाल रहे हैं। कैसे हो नाजिम भाई, खैरियत से हो? ठीक। अच्छा, जो नाजिम है उन्होंने कहा यार मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो मैं आपको ले चलता हूँ उमर दराज साहब के घर। नाजिम साहब मेरे आगे आगे जा रहे हैं। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देकर आएँ, चाय देकर आएँ। बड़े नाइस आदमी हैं यार और बहुत पुराने हैं, इस इलाके की तो इंसाइक्लोपीडिया हैं ये देखें, मस्त आदमी है यार। चाय लेकर जा रहे हैं वो थैली में डाल के ना देने के लिए। तो नाजिम साहब इससे पहले भी मुझे काफ़ी हेल्प कर चुके हैं इस इलाके के बारे में बताने में। एक दफ़ा फिर मुझे लेके, वो एक पावर फैमिली थी इसके दूसरी गली में, तो हाँ वो उनका क्या नाम था मैं भूल गया, इम्तियाज पावर, अच्छा अच्छा। तो वहाँ भी लेकर गए थे हमें, एड्रेस पूछना है इस इलाके का तो नाजिम साहब के पास आ जाओ, या फिर मेरे तो खैर रबते हैं अजीम अंसारी साहब से भी, गुजरांवाला में जो होते हैं, खट प्लाट में रहते थे वो, तो उन्हें भी बहुत मालूमात है इस इलाके की, बचपन जवानी उनकी यहाँ गुजरी है, बहुत सारे लोगों को जानते हैं। उमर दराज साहब का घर ये है भाई, राणा असद साहब आपने मुझे बताया था, डॉक्टर रियाज वाली गली, तो ये डॉक्टर रियाज वाली गली है और ये है उमर दराज साहब का घर। हाँ घर नहीं है, अच्छा स्कूल से छुट्टी नहीं हुई, चलें ठीक है। तो राणा असद साहब मैं यहाँ पहुँच गया, जो भाभी एक हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, बहन से, रईस अहमद खान साहब की जौजा से, तो वो टीचर हैं और वो वीडियोस वो भी देखती रहती हैं, उन्होंने कहा कि मैंने भी देखी हुई मुख्तलिफ वीडियोस, तो अच्छा लगा मुझे। हमारा काम हमसे पहले अगर वहाँ पहुँच जाए जहाँ हमने जाना है सर, एक पॉजिटिव मैसेज, एक मोहब्बत का पैगाम, खुलूस का, तो अच्छा लगता है सर। तो ये गली आप देख लें, फाइनली मैं यहाँ से रुखसत होता हूँ, और ये उमर दराज साहब का घर, ठीक है। तो जी जी मैम, और जो भाई हैं ऊपर अयाज जैदी साहब, वो उमर दराज साहब के, वो ऊपर रिहाइश पजीर हैं, ठीक है। तो राणा असद साहब अब मैं चलता हूँ यहाँ से, आपने कहा था कब्रिस्तान पाक कॉलोनी वाला, शायद आज की निश्चित में मैं वहाँ तो ना जा पाऊँ, लेकिन फिर कभी कोशिश करेंगे। हालांकि मैं एक दफ़ा वहाँ गया हूँ मैं उस कब्रिस्तान में ना, लेकिन फिर कभी से रुखसत होते हुए एक देखेंगे कि वहाँ जा जहन में आ रही है। बहरहाल ये गली जैसे मुझे राणा असद साहब ने बताया था कि उमर दराज साहब बहुत अच्छे, बहुत नाइस, बहुत नफीस और लोगों की मदद करने वाले थे, तो बस यही बात जहन में आ रही है कि हमसे भी कुछ ऐसा काम हो जाए
कि जिस तरह उमर दराज साहब को लोग उनके जाने के बाद अच्छे नाम से याद कर रहे हैं, हमें भी अच्छे नाम से याद करें। परवरदिगार, हमारे हाथों से कोई ऐसा अमल सरजद ना हो कि लोग हमारे जाने के बाद हमें बुरे लफ्ज़ों में याद करें। परवरदिगार, हमें अच्छे कामों पर इस्तकामत नसीब फरमा। आमीन सुम आमीन। तो फाइनली डिले होता जा रहा था हमारा, वॉशिंग मशीन और सिलाई मशीनें ख़रीदने के बावजूद हमने यहाँ से उठाई नहीं थी, क्योंकि हमें दूसरी मशीन भी लेनी थी और प्लस आयरन इस्त्री भी लेनी थी, तो वो आ गई है आज और इनका भी हो गया। अब्दुलरहमान भाई, इनका बना दें बिल और मुझे पंखा भी दिखा देना, स्टैंड वाला, स्टैंड वाला पंखा लेकर आए, मुझे वो दिखाएं भाई। मैं अपना कार्ड देता हूं आपको भाई मेरे, आप हमारा नंबर भी लें, आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो पंखा लेके आ रहा ना, ये ले, मैं रिजवान की दुकान से आ रहा हूं, अब नंबर आ गया भाई का, ठीक है ना? इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर लेना, मैं मिल जाऊंगा आप। हाँ, जय की दुकान के सामने देखो ना, आप देखोगे ना, ये मदीना मस्जिद रोड के ऊपर सामने कचरा पड़ा हुआ है, कचरे की निशानियां मेरे को खास की, तो वो सीधी गली ऊपर जा रही है, दो तीन घर छोड़ कर ही है। ये बदकिस्मती है हमारी कि मीरपुर खास शहर में सैनिटरी वर्कर कम है, शहर बड़ा हो गया है, सैनिटरी वर्कर नए भर्ती नहीं किए। जो कुछ अर्सा पहले भर्ती किए थे तो पता चला था सियासी भर्तियां जैसे कि होती हैं, उसमें पता नहीं ये आइन में है ये क्या है कि हम लोग सैनिटरी वर्कर के लिए गैर मुस्लिम को भर्ती करते हैं, उसमें पता चला कि मुसलमानों को भर्ती कर लिया। अब वो घरों पर बैठे हुए तनख्वाहें, बुरी लगती है बात, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है भाई, छुप नहीं सकती। तो फिर उस तरह उसकी वजह से लोग सैनिटरी वर्करों की तादाद भर्ती में तो शायद ज़्यादा हो, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि बहुत सारी जगहों पर कचरा नहीं उठाया जाता। शहर की दो चार रोड शायद मेन साफ हो, लेकिन आप किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, आपको सरे राह आपको कचरा मिल जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा था आपसे कि जो फ्रिज की मैंने आपको तस्वीर व्हाट्सएप की थी, इन्वर्टर की 30-50 की, 300 ये किराए के लिए, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि उसकी वारंटी, अब जब अपन खर्चा करेंगे तो वारंटी अपन को शुरू से मिलेगी इसकी, ठीक है? अब्दुलरहमान भाई यार 35,000 रुपए खर्च भी कर रहे हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काम नहीं हो सर, चाय चाय चाय, अरे ना करें यार जी, उन्होंने चाय मंगा ली है, चाय पी लेते हैं, वैसे तो खाने का टाइम हो रहा है। बिल हमने क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान खत्म, और ये सामान अभी लेकर जा रहे हैं हम लोग उस फैमिली के घर तक पहुंचाने। सामने एक जलसा है और ये तहरीक लबैक, मुझे लगता है आज रात को होगा, यहाँ पर महंगाई के अगेंस्ट है या हुकूमत की पॉलिसियों, बहरहाल महंगाई और हुकूमत की पॉलिसियाँ एक ही हैं। तो ये रात को यहाँ पर ये जलसा होने वाला है और हम यहाँ से चलते हैं, साइम मेरे साथ है, चल बेटा घर चलें। हाँ, पाकिस्तान बचाओ मार्च, ये है इस जलसे का उन्वान। ठीक है बाप भाई, चलते हैं, फिर अल्लाह खैर करे, चल बेटा। फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान था वो हो गया, सिर्फ फर्नीचर रह गया, बाकी शादी वाले दिन का अखराजात हैं, पकवान बुक हो चुका, वो आप पहली वीडियो में देख चुके होंगे। ये काफ़ी ज़िम्मेदारी थी ये सामान कलेक्ट करना, तो वो आज फाइनली यहाँ पहुँच गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फर्नीचर रह गया हमारा, इंशाल्लाह एक दो दिन में फर्नीचर भी परचेज़ कर लेंगे, फैमिली को साथ ले जाएंगे, कुछ इनका आइडिया हो जाएगा, कुछ हम आइडिया दे देंगे, एक बजट के अंदर रहकर अल्लाह ताला करम करेगा। तो ये है हमारी वो रुदात जो कि एक शादी को दो हमारी बहनें
उनकी शादी हो जाए। सारी सिचुएशन आप देख चुके होंगे पहले, इससे पहले वीडियोज़ के अंदर, कि एक ऐसी गरीब फैमिली बच्चियाँ हैं घर पर, शादी की उम्र को पहुँची हुई हैं। मैं इन्हें डायरेक्ट तो नहीं जानता था, लेकिन इनडायरेक्ट किसी वास्ते से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये सब कुछ जब बंदा किसी को डायरेक्ट ना जानता हो और इनडायरेक्ट पहुँचे, तो फिर यही समझ में आती है कि खुदा की मंशा यही है, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। बाज़ औक़ात हम इंसान ढूंढते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें आपको ख़ुद से मिल जाती हैं ना, आप पहुँच जाते हैं, बल्कि सही लफ्ज़ होगा पहुँचा दिए जाते हैं। तो हमें भी यहाँ पहुँचा दिया गया, अल्लाह का लाख शुक्र है। आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली हमारे जो मेहरबान फरिश्ता सिफ्त लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाज़ औक़ात, बल्कि बाज़ औक़ात क्या, अक्सर खुदा की राह में हम अपनी जिस्मानी कुर्बानी भी देते हैं, पैसे की भी देते हैं, और इस गर्मी में ये सब कुछ करते हुए पसीना आ रहा है मुझे, आया हुआ है, और किसी के साथ भलाई हो जाए तो उस खुशी का आलम, उस खुशी का ठिकाना क्या होगा। हाँ, एक चीज़ और, वहाब खान साहब की, नवाब खान साहब की तबीयत बेहतर हो रही है। उनकी जो जौजा मोहतरमा थी, हमारी भाभी, अभी मैं शाम में वहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने कल कराची जाना है डायलिसिस के लिए। डायलिसिस तो मिरपुर खास में हो जाता है, लेकिन उनकी वो कुछ मेडिकली तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, उनकी कुछ नालियाँ कह रहे थे, वो खुदा जानता वो क्या है जिसके ज़रिए से वो डायलिसिस होता है, तो वो कराची जाना पड़ेगा उन्हें नहीं लगवाने के लिए। तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके साथ करम के मामलात करे, और हमारे तमाम मेहरबान फरिश्ते से लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। भाई बहन ठीक है, आप खुश हैं, ठीक है ना? हाँ, अब वो जो चीज़ थी, वो एक खौफ का एलिमेंट, वो कम हो गया क्या? इतना कुछ हो गया तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया भाई, कल मिलते हैं, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।